बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, ये ईयर है मई जून 2022, पेपर 22, क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स स्टार्टेड। तो अब मेरे पास ये बोल रहा है, लाइट फ्रॉम अ लेज़र इज़ यूज टू प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन अ स्क्रीन एज शोन इन फिगर 5.1। ये पूरा इन्होंने डायग्राम बता दिए। The light of wavelength 660 nanometer is incident normally on two slits that have a separation of 0.44 millimeter. तो बेसिकली इसने ये वाला डिस्टेंस बता दिया है 0.44 नैनोमीटर, जो अगर एक तरीके से याद हो तो ये मेरा कहलाता है ए। The double slit is parallel to the screen. The perpendicular distance between the double slit and the screen is 1.8 meter. तो ये इसने मुझे कैपिटल डी बता दिया। ओके। The central bright fringe on the screen is formed at point O. The next dark fringe below point O is formed at P. The next bright fringe and the next dark fringe below point P are formed at Q and R respectively. The light waves from the two slits are coherent. State what is meant by coherent. अच्छा, coherent का basic मतलब ये है कि मेरे पास इसका phase difference change नहीं हो रहा between the wave. तो इसको मैं बिल्कुल basic terms में लिख लूँगा, no difference in phase, या फिर phase, constant phase difference. सही है, बिटवीन टू वेव्स कर दो या वेव्स कर दें, एक ही बात है। खैर, फॉर द लाइट वेव्स, फॉर द टू लाइट वेव्स सुपरपोजिंग एट आर, कैलकुलेट द डिफरेंस इन देयर पाथ लेंथ्स इन नैनोमीटर फ्रॉम द स्लिट्स। अच्छा, पाथ डिफरेंस निकालना है तो पहले तो हम लोग देख लें कि इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है आर से। तो एक बात जो समझने वाली है यहाँ पर वो ये है कि यहाँ से यहाँ तक एक वेव है, और इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 0.5 वेव होगी, ये भी 0.5 होगा, तो ये भी 0.5 होगा। तो बेसिकली O से लेके R तक का जो डिफरेंस है दैट बिकम्स 1.5। आई होप ये वाली बात समझ आ रही होगी। तो अब ज़रा यहाँ पे देख लेते हैं, हमें फेज डिफरेंस निकालना है, सॉरी पाथ डिफरेंस निकालना है बिटवीन देयर लेंथ्स। तो इसका बेसिक फॉर्मूला पाथ डिफरेंस का क्या होता है, डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय जो मेरे पास वेवलेंथ है। तो इसका जो पाथ डिफरेंस आएगा वो बेसिकली बन जाएगा जो इसकी वेवलेंथ है, दैट इज़ 660 नैनोमीटर्स एक्सपोनेंट 10 की पावर -9 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। अच्छा, अगर मैं इस वाले को हटा दूं, ये इसको यूज़ ना भी करूं ना, तो मेरा आंसर एग्जैक्ट आएगा, क्योंकि इसका मेरे पास कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट, और ये नैनोमीटर में ही है। सिंपली अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर लूँ 660 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, तो ये मेरे पास बन जाएगा 990 नैनोमीटर्स। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब उसका फेज डिफरेंस देख लो। जब पाथ डिफरेंस आता है तो वेव्स का डिफरेंस मल्टीप्लाई होता है वेवलेंथ से, जब फेज डिफरेंस आता है तो यही वेव का डिफरेंस मल्टीप्लाई होता है एंगल थीटा से, 2π से। अब क्योंकि यहाँ पे डिग्री है तो मैं इसको 360 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, वरना अगर यहाँ पे रेडियन होता, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं इसको अलग पेन से कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर रेडियन होता तो मैं इसको करता 2π मल्टीप्लाई बाय 1.5, लेकिन क्योंकि अभी डिग्री है तो मैंने ये वाला फॉलो करा, एक्ट 360
मल्टीप्लाइड बाय 1.5, तो मेरे पास बन रहा है 540 डिग्री। डिग्री नहीं लाऊंगा, ऑलरेडी लगा हुआ। अच्छा, कैलकुलेट द डिस्टेंस ओ क्यू। डिस्टेंस ओ क्यू की डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। ये मुझे पता है कि पूरी एक वेव है, तो मेरे पास एक फॉर्मूला था, अगर आप लोगों को याद हो, ये लैम्डा इज इक्वल्स टू ए एक्स और डी, इसमें लैम्डा तो मेरे बेसिकली मेरे पास वेवलेंथ होती है, डी डिस्टेंस होता है बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, और ए होता है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, और एक्स होता है डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंज। यह एक वेव कह लो इसको। तो इसमें मुझे एक्स निकालना है, मेरे पास ए भी अवेलेबल है, ये रहा ए, ये रहा डी, और ये रहा मेरा लैम्डा। एक्स निकालना है मुझे, और ज़रा इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर ए एक्स ओवर डी, लैम्डा इज इक्वल्स टू मुझे डी निकाल एक्स निकालना है, तो मैं इसको मैनिपुलेट कर लेता हूँ। ये बन जाएगा लैम्डा डी बाय ए इज इक्वल्स टू एक्स, लैम्डा था मेरा 660, एक्सपोनेंट नेगेटिव 9 टाइम्स डी है मेरा 1.8 ओवर ए है मेरा 0.44 मिलीमीटर, तो ये बन गया 0.44 एक्सपोनेंट -3 इज इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू अब मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगी 660 एक्सपोनेंट -9 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 ओवर 0.44 एक्सपोनेंट -3। तो ये मेरे पास वैल्यू बन गई है 2.7 मिलीमीटर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये मिली हटाने के लिए मैं लगा सकता हूँ 2.7 एक्सपोनेंट -3। यही मुझे लिखना होगा, यहाँ पे मीटर्स की वैल्यू बन गई है मेरे पास। ये आई होप यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, अब वो बोल रहे द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन द डबल स्लिट इज इंक्रीज्ड। इंटेंसिटी बढ़ाई है, वेलोसिटी नहीं बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करी, विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। डिस्क्राइब हाउ द अपेयरेंस ऑफ द फ्रिंज आफ्टर दिस चेंज इज डिफरेंट फ्रॉम एंड सिमिलर टू देयर अपेयरेंस बिफोर द चेंज। अच्छा, एक बात है, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है मैंने जो लाइट जो पहले हल्की आ रही थी मैंने तेज़ कर दिया। आई होप ये बात समझ आ रही होगी, सिर्फ ब्राइटनेस बढ़ाई और कुछ भी नहीं करा। तो ब्राइट फ्रिंजेस जो होंगी वो और मज़ीद ब्राइटर हो जाएंगी। फ्रिंजेस विल बी मोर ब्राइटर। अच्छा, डार्क फ्रिंज का क्या होगा, जब मैं दोनों साइड से बढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास डार्क फ्रिंज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। डार्क फ्रिंज रिमेंस डार्क, या फिर डार्क फ्रिंज does not have any changes। और इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा ये है कि मेरे पास, क्योंकि मैंने सिर्फ लाइट की वो बढ़ाई, इंटेंसिटी बढ़ाई है, तो मेरे पास फ्रिंज का सेपरेशन भी चेंज नहीं हो रहा, मतलब फ्रिंज स्पेसिंग भी चेंज नहीं हो रही,
मैं लिख दूंगा नो चेंज इन फ्रेंच सेपरेशन। अच्छा अगला पार्ट आ गया, द लाइट ऑफ वेवलेंथ 660 नैनोमीटर इज नाउ रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट फ्रॉम अ लेजर, स्टेट एंड एक्सप्लेन द चेंज इफ एनी दैट मस्ट बी मेड to the separation of the two slits so that the fringe separation on the screen is the same as it was for light of wavelength 660 nanometer। अच्छा इसके लिए पहले ज़रा मैं विबग्योर समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा। विबग्योर ये जी है मेरा थोड़ा ख़राब हुआ है, पोलियो हो गया इस बेचारे को। तो ये वायलेट है, ये रेड है। सबसे ज़्यादा जो मेरे पास इसमें मेरे पास क्या होती है वेवलेंथ होती है, सबसे बड़ी वेवलेंथ मेरे पास होती है रेड की, दैट इज़ 750 नैनोमीटर। और सबसे छोटी वेवलेंथ होती है मेरे पास वायलेट की, जो कि तकरीबन 350 समथिंग होती है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन इतनी कुछ होती है। खैर तो अभी मैं ब्लू पर आ गया हूँ। ब्लू की जो वेवलेंथ है, ब्लू की वेवलेंथ अराउंड 430 होती है। अभी इससे पहले मैं काम कर रहा था 660 नैनोमीटर पे, तो 660 नैनोमीटर से मैं चला गया हूँ। अच्छा इसने लाइट भी नहीं बताई भी ना। खैर तो ये जो है ना थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है वाला आखिरी पार्ट जो है। तो बेसिकली मैं यहाँ कहीं से 660 से ट्रैवल कर रहा हूँ 430 पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो है ना मेरी वेवलेंथ कम हो गई है। तो सबसे पहली बात जो मैं लिखूंगा यहाँ पे ये कि मेरे पास शॉर्टर वेवलेंथ है, शॉर्टर वेवलेंथ पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, अब ज़रा वही फॉर्मूले पर आ जाओ, लैम्डा इज इक्वल्स टू ए एक्स ओवर डी। तो अब अगर मेरे पास वेवलेंथ शॉर्ट हो गई है तो मुझे कोई चीज़ बढ़ानी पड़ेगी, तो या फिर मैं मुझे कोई और चीज़ भी कम होगी, तो स्लिट सेपरेशन भी इसकी वजह से कम हो जाती है, मुझे करनी पड़ेगी ताकि जो है ना मैं सब कुछ सेट कर सकूँ। क्योंकि देखो ना ये मेरे इख्तियार में नहीं है, ये मेरे इख्तियार में हो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता। तो मुझे करना क्या पड़ेगा कि मुझे डिक्रीज करनी पड़ेगी स्लिट सेपरेशन। अब मैं बताता हूँ मैंने स्लिट को सेपरेशन कम क्यों करी है और बाकी चीज़ें क्यों नहीं करी। वो बोल रहे दैट द फ्रिंज सेपरेशन ऑन द स्क्रीन इज द सेम। तो इस एक्स भाई साहब को तो मैं हिला ही नहीं सकता, ये तो हिलाने के काबिल ही नहीं है, इनको तो मुझे सेम रखना है। Of the two slits, वो बोले ना that if any that must be made to the separation of the two slits so that the fringe separation same रहे। तो वो बता ही रहे मुझे कि मुझे स्लिट में ही चेंजेस करने हैं। तो बेसिकली अगर ये कम हुआ है तो मुझे ये भी कम करना पड़ेगा ताकि मेरे पास बाकी वैल्यूज़ कॉन्स्टेंट रहें। तो आई होप ये सवाल समझ आ गया होगा, मैं इंशाल्लाह बाकी सवाल भी डालता रहूँगा जैसे जैसे मुझे मौका मिलता रहेगा। थैंक यू।